वहाँ पे एक लकड़ी के शेड में, जिसपे हम लकड़ी स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है। प्राइमर फेशी लगता है कि बच्ची का जो है वो गला काटा गया है और उससे उसकी डेथ हुई है। बहरहाल रात का वक्त था और उसके दूसरे दिन जब सुबह के टाइम पोस्टमार्टम करवाया गया, तो एक डिस्कशंस डॉक्टर के साथ जो हुई और प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनके हिसाब से ये पता चलने लगा कि बच्ची का गला भी घोंटा गया है, क्योंकि उसके कुछ ऑर्गन्स पे जो ब्लड वो ज्यादा था, और जिससे जो डॉक्टर्स का मतलब बताने का तरीका होता है, उन्होंने ये भी असेस किया कि शायद बच्ची का जो गला पहले घोंटा गया और फिर उसको उसके जो गर्दन पे है वो छुरी चलाई गई है, या कोई तेज नोक की जो चीज जिससे गला काटा गया है। बहरहाल इसी के चलते जो वजूहत थी, जैसे लगता था कि जहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है और साथ में जो सराउंडिंग्स थी, उन सारे जो मौके को देख के शक जो है वो ज्यादा आसपास के लोगों पे ही जाने लगा, और जो जो बहरहाल तफ्तीश शुरू की गई उसमें डीएसपी जो अडोलाब है, सरफराज बशीर, वहाँ के चौकी ऑफिसर अजहर शकील और एसएचओ मलिक नसीर, इसके साथ साथ एडिशनल एसपी और मैं भी स्पॉट पे गई, और थोड़ा इंट्रोगेशन में भी ज्वाइनिंग हुई, और कुछ सस्पेक्ट जो हमने उस पे जीरोइंग की, तो उनमें फैमिली ही सस्पेक्ट आने लगी, क्योंकि जब फैमिली को क्रॉस चेक किया गया कि वो किस सीक्वेंस में लड़की जो है वो रूपोश हुई थी और किस सीक्वेंस में मिली, तो उसमें जीरोइंग जो हुई वो फैमिली में ही हुई। बहरहाल जब फैमिली में भी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चलने लगी, इंक्वायरी चलने लगी, तो लड़की का बाप जिसका नाम मोहम्मद इकबाल खटाना है, वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट लेके उसमें तफ्तीश में आने लगा। और जब उसके उसको अच्छे तरीके से जब क्रॉस क्वेश्चनिंग और बाकी तफ्तीश के जो जितने भी मवाद हमारे पास थे उनसे जब कन्फ्रंट किया गया, तो उसने कन्फेस किया कि इस छोटी बच्ची जो कि मोहम्मद इकबाल की ही बच्ची है, उसका जो मर्डर है वो उसने खुद किया है, बाप ने किया है, और उसको हमने हिरासत में भी फॉर्मली अरेस्ट किया। और ये कहानी निकल के आई कि चूंकि मतलब ये जो इकबाल जो है अपनी बीवी से पिछले एक साल से इनके बीच जो काफी पर्सनल इश्यूज को लेकर लड़ाई होती रहती थी, मैं तो भी होता रहता था, इवन फिजिकल असॉल्ट भी होते हैं होता रहता था। इसी शाम को जब 29 तारीख को जब इकबाल जो के पेशे से ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है सुमो, वो घर लगभग 4:15 बजे के करीब जब घर आया, उसके बाद अपने उसने जो शाम के लिए जैसे गांव में उधर की लकड़ी काटी जाती है या दूसरे कोई और डोमेस्टिक काम जो है वो किए, और जब 6 बजे के आसपास काम खत्म करके फिर अपने घर में पहुंचा, तो बीवी के साथ दोबारा से उसके, क्योंकि उस सुबह भी उसका झगड़ा हुआ था और शाम को फिर से उसका काफी लड़ाई हुई, आपस में बहस हुआ वैसा हुआ, और इवन की उसकी वाइफ ने इसको स्लैप भी किया। तो इसी बीच में वो एंगर जो है उसका, वो अनकंट्रोल्ड एंगर जो आया, उसने चाहा कि वो अपने आप को मर्डर करता, बट वो एक नाइफ लेके वहां से निकलने की, वो उसने ये बहाना किया कि मैं अपने गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हुआ है और उसको पंक्चर को मैं ठीक करवाऊंगा, तो वो वहां से अपने घर से निकलता है, जिसको जाते वक्त उसके ब्रदर शोकत जिनका नाम है, इसकी वाइफ, उसके चाचा, वो सारे लोग उसको देखते हैं, और उसका कजिन जो है वो देखते हैं कि वो घर से निकल रहा है और छोटी बच्ची उसके पीछे चल रही है, और वो इतने में बच्ची जो है उससे कुछ पैसे 5 रुपये मांगती है, तो वो उसको 10 रुपये देता है, बट वो पीछे नहीं देखता और बच्ची उसको फॉलो करती है, जिसको काफी और भी हमारे पास गवाह है जिनने उसको बच्ची को फॉलो करते हुए देखा, और वो गाड़ी में ही बच्ची जो है इकबाल के साथ बैठ गई। इसके बाद वो हार्डन की तरफ आया और फिर उसके बाद सीवर की तरफ, खुर्रामा की तरफ आया, और जहाँ पे गाड़ी में ही चूके, उसके बाद का भी वक्त था और गाड़ी उसने आइसोलेटेड प्लेस पे लगाई, जब देखा कि लोग जो है वो चूके इफ्तार के बाद रश भी कम हो जाता है, आजकल तरावी का वक्त पूरा, और जो है तरावी के लिए लोग निकल पड़े, तो उसने
ये सोचा कि लड़की को, लड़की मेरे साथ है, अगर मैंने भी अपने आप को खत्म करना है तो इसका क्या करूं। और वो जो आउट ऑफ रेज जो है, वो पहले बच्ची का गला घोंटा, और बच्ची जो है उसकी डेथ जो है उसी में हो गई। और वो अपनी सोच को बदलते हुए सोचा कि बच्ची को मैं कैसे किसी जगह, ऐसी जगह रखूं कि वो उसकी डेड बॉडी जो है वो मिल जाए, और फिर मैं अपने आप को भी खत्म करूं। बट जब वो वहां पे डेड बॉडी को अपनी गोद में उठा के अपनी गाड़ी इस रोड के साइड पे लगाता है, और वो इस शेड पे जहाँ पे आके मेरी डेड बॉडी मिली है वहां पे रखता है। वहां पे चूंकि इसने पहले ही अपने आप को खत्म करने के लिए एक चाकू जो है अपने घर से लिया था, और उससे फिर अपने इस जो जुर्म को वो दूसरा रुख देने के लिए, ताकि इसका शक जो है दूसरे लोगों पे भी जाए। और वहां पे शेड में जो है वो आप इस बच्ची की डेड बॉडी को रख के उसके बाद इसका गला काटता है, और जिस मिकदार में अदरवाइज एक जिंदा आदमी का ब्लड निकलना चाहिए उतना नहीं उससे निकलता, हमने मौके पे भी देखा है। उसके बाद ये चाकू को धो के और अपने पास रख के फिर जाके अपनी गाड़ी को लाके हिजबे मामून जहाँ पे ये गाड़ी को रखता था वहां पे ही गाड़ी को दोबारा पार्क करके जब घर में जाता है, उसके बाद ही घर वाले इसको पूछना शुरू होते हैं कि बच्ची आपके साथ गई थी और बच्ची कहाँ पे है। तो वो ये बहाना बोलता है कि बच्ची मेरे साथ नहीं थी। अलबत्ता चूंकि तीन चार लोग जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि जिन्होंने उसके फॉलो करते हुए देखा था बच्ची को, तो वो भी उसको कंफ्रंट करते हैं, और इस बीच वो एक और बहाना बना के तो दूसरी उसमें उलझन में अपने आप को जो खत्म करने की कहानी को छोड़ के दूसरी उसमें रूप में आके और बच्ची को ढूंढने के घर से, या उसको एक और दूसरी मूंछ वाली जो मोड़ देने के घर से वो थाना में पहुंचता है, और वहां पे अपनी रिपोर्ट जो दर्ज करवाता है कि मेरी बच्ची गायब है। लेकिन जिस बीच वो रिपोर्ट करने के लिए आ रहा होता है, उसी बीच जब उसके घर वाले या दूसरे मोहल्ले वाले बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं, मस्जिद से भी अनाउंसमेंट की जाती है, और उसकी वाइफ को ये बच्ची इस शेड में स्पॉट होती है डेड हालत में। तो वहां से फिर बच्ची को बरामद करके वो फिर से जो मैंने पहले शुरुआत में की थी, बच्ची को किस तरीके से फिर उसका पोस्टमार्टम किया गया और बाकी जो सारी कार्रवाई मुकम्मल की गई। अभी तक की तफ्तीश में सिर्फ मोहम्मद इकबाल ही एक वाहिद सस्पेक्ट वाहिद मुलजिम जो है वो सामने उभर के आया है, ट्रांसफर हुआ है इन्वेस्टिगेशन में, और उसी को गिरफ्तार भी किया गया है। जिस चाकू से उसने बच्ची का गला काटा था उसी में और दो जगह पे इसका इसके साथ साथ उसके कपड़े जिन पे मिले हैं और वो सीज किया गया है, और जहाँ जहाँ पे वो रुका है और जिस तरीके से हमने टेक्निकल जो एविडेंस को कलेक्ट किया है वो बिल्कुल कॉरोबोरेट होता है कि वो कहाँ कहाँ गया था और किस किस कौन कौन सा उसका मोमो पैटर्न रहा है, वो किस तरह स्टेब्लिश हुआ है। बहरहाल जो तफ्तीश अभी तक हुई थी, और मुझे लगता है कि यहाँ तक ही हमारी तफ्तीश जो है, अब इसको सिर्फ जो बाकी लीगल प्रोसीजर्स हैं वो हमने पूरे करने हैं, इकबाल है उसको गिरफ्तार किया गया। सर, इस साजिश में और कोई अरेस्ट हो सकता है जिस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस थी दो मियां बीवी के दरमियान? नहीं देखिए, मियां बीवी की लड़ाई जो है वो मुझे लगता है थोड़ी बहुत नोक-झोंक बड़े लेवल की नोक-झोंक हर जगह होती है। बहरहाल ये जुर्म जो है, क्योंकि मर्डर है तो मर्डर में या तो इंटेंशन देखी जाती है या नॉलेज देखा जाता है कि आप जो काम कर रहे हो क्या इससे किसी की डेथ हो सकती है या आपकी पहले से किसी को मारने की गर्ज हो। तो चूंकि इकबाल ने जब गला घोंटा है अपनी बेटी का, तो उसको तो ये जाहिरी तौर पे मालूम था कि मैं गला घोंटूंगा इसके इसकी डेथ होगी। तो अभी तक की तफ्तीश में सिर्फ एक ही जो एक्यूज्ड है वो इमर्ज हुआ है, जिसका नाम इकबाल है, और जो कि उस बच्ची का जिसकी डेथ हुई थी उसका फादर है। देखिए, उस बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता कि ड्रग एडिक्ट था या नहीं था, बट
जग्स वगैरह पीता हो तो उसका हम नहीं कह सकते, बट जो सिंथेटिक ड्रग्स वगैरह के हवाले से टेस्ट भी करवाया गया उसमें कुछ नहीं ऐसा आया। क्या सर पुलिस के पास इतने एडुकेटिव एविडेंसेस है कि इसको प्रोसिक्यूट करके कैसे किरदार तक पूछा जा सकता है? बिल्कुल, जो भी एविडेंसेस हैं चाहे वो सर्कमस्टेंशियल हैं या चाहे मटेरियल एविडेंसेस हैं वो सफिशिएंट है कि ये केस एक बहुत अच्छा केस बना है और मुझे नहीं लगता कि उसको कोई इकबाल को इस केस से भी राहत। सर जिस तरह से औरा केस में आपने फास्ट ट्रैक मीडिया पे चालान किया, क्या इस केस में भी उसी तरह से जो है अब प्रोसेस होगी? और क्या आपको लग रहा है ये केस उसके मुकाबले में मतलब आपको आसानी हुई इसको जो है सॉल्व करने के लिए? देखिए इस केस में आसानी ये थी कि यहाँ पे डेड बॉडी मौजूद थी और औरा वाले केस में डेड बॉडी नहीं थी और उसमें ज्यादा हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। इसमें बहरहाल डेड बॉडी क्योंकि मिलने से हालात और वाकत पता लगते हैं किस किस क्या क्या चीजें होती हैं और वो तफ्तीश के कुछ बड़े छोटे छोटे पहलू होते हैं जिनको कनेक्ट करके तफ्तीश को इस्तेमाल किया। सर चाकू का इस्तेमाल क्यों किया गया? गला घोट कर मारा गया उसके बाद चाकू का इस्तेमाल कहीं किसी और को फंसा नहीं चाहिए? देखिए मैंने जैसे बताया कि चाकू का इस्तेमाल इसलिए किया कि उसको जब उसने देखा कि बच्ची मर गई है और इसको मैं घर लेके यहाँ रखूंगा भी तो किस सूरत में, क्योंकि जब उन्होंने देखा भी था उसको फॉलो करते मैंने पहले आपको बताया कि मुजरिम जो है उसको भी अपना नॉलेज होता है कि मैंने क्या किया है और कैसे कैसे उसको जो भी अमली जमा पहनाया है तो वो अपने आप को सेव करने के लिए और ताकि शक जो है बच्ची की मर्डर का वो पड़ोसी चाहे उसका ब्रदर है उसके साथ भी उसके कोई ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं थे या और उनके पड़ोसी थे उन पर जाए ताकि वो उसकी जो है स्किन जो है देखिए तफ्तीश में माँ सिवाय इकबाल के और किसी को मालूम नहीं है कि ये कत्ल जो है इकबाल ने किया है। काफी शक्ति के बीच में ऐसा ही सामने आया, बीवी से बेशक लड़ाई हुई इसमें कोई शक नहीं कि उसकी सुबह भी और शाम को भी काफी हीट से डॉक्यूमेंट हुए थे और उसी के बुनियाद पे ये जो अपना फ्रस्ट्रेशन और अपना रेज जो गुस्सा जो था इसका अनकंट्रोलेबल वो हो गया था और जिसकी वजह से ये जुर्म भी हुआ। सर क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे केसों को रोकने के लिए गोपारा पुलिस क्या कुछ करेगी और अपील क्या रहेगी लोगों को? देखिए जो पर्सनल लेवल पे कोई चाहे वो मर्डर है या रेप केसेस है इसमें जागरूक रहना पड़ेगा कि आप सोसाइटी में रह रहे हैं क्या मार रहे हैं, ये बड़ा पहलू है। बहरहाल जो बेसिक क्राइम होते हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो उस पर अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे क्राइम भी हैं कि जो होने के बाद ही पता चल पाता है कि ये क्राइम हुआ है और उस पर भी बहरहाल जो हमारी जिम्मेदारी होती है कि मुलजिम का जो है पर्दाफाश किया जाए और उसको लीगल जो वो जो कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगतने पड़े वो हमारी हमेशा कोशिश है। सर व्हाट वी आर सीइंग इन ड्रामास एंड फिल्म्स के जब भी कुछ इंसिडेंट हो तो कहा जाता है कि कातिल कुछ ना कुछ सबूत पीछे छोड़ जाता है, तो इन दिस केस के देयर वर के सम की पॉइंट्स के जिससे आपको कामयाबी मिली और ही हिमसेल्फ कॉन्फेसर दिस क्राइम, और क्या उसने कोई एक सेल्फ क्रिएटेड स्टोरी भी आपको बताई कि जिससे थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता था कि पुलिस का अटेंशन यहाँ से भटक जाए किसी दूसरे इशू, क्या ऐसी उसने कुछ थ्योरियां बताई थी कुछ दलीलें? तफ्तीश की डिटेल्स ऐसे होती हैं कि वो शेयर भी नहीं की जाती, बट वो भी हुई वैसी चीजें भी हुई कि जब हमें थोड़ा भटकाने की भी कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल एक असेसमेंट होता है एक अच्छी तफ्तीश में ये असेसमेंट रहता है कि उसको नेचुरल सीक्वेंस के साथ भी जोड़ा जाता है, उसको किसी सीक्वेंस के साथ जोड़ के ही नतीजे पर पहुंचा जाता है ताकि हम ये श्योर हों कि ये क्राइम इसी शख्स ने किया है। कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो जुर्म करने वाला है वो सही में भटकाता भी है, लेकिन इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमने कुछ टेक्निकल तरीके से भी उसको देखा और इविडेंसेस ये होते हैं कि आप एक अगर डेड बॉडी